हेलो गाइस, आई एम अरविंद पुनिया। इस वीडियो में आपको डेवोन के स्केच की आउटलाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा, हाउ टू ड्रॉ आउटलाइन। वैसे ये मेरा स्टाइल है नहीं, फ्री हैंड में ड्रॉ करूंगा। ये डेवोन का ही स्टाइल है आउटलाइन ड्रॉ करने का, तो उसी तरह मैं अब आउटलाइन ड्रॉ करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले आप रेफरेंस फोटो देखकर ओवल शेप सर्कल ड्रॉ कर लेना। फोटो को आप अच्छे से ऑब्जर्व करना, उसके बाद में फोटो की शेप के हिसाब से आप ओवल शेप सर्कल ड्रॉ कर लेना। मैं यहाँ पर 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हो आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद में आप एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेना, जो आई की लाइन है। फ़ोटो को ऑब्जर्व करके ही करना। फिर उसके बाद में आप सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेना, जो नोज़ की आइज़ की सेंटर लाइन है। उसके बाद में आप नोज़ की लाइन ड्रॉ कर लेना। उसके बाद आप लिप्स की लाइन ड्रॉ कर लेना फोटो ऑब्जर्व करके। उसके बाद में आप ईयर्स को भी एक स्ट्रक्चर के हिसाब से हम आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप ईयर को भी उसी हिसाब से आप ड्रॉ कर लेना। अभी हम फाइनल ड्रॉ नहीं कर रहे, सिंपल एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर वैसे डेवोन का स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ, जैसे जिनकी मैं स्केच बना रहा हूँ उनका नेम डेवोन है, उन्हीं के मैं स्टाइल यूज़ करके आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद में आप आइज़ को ड्रॉ कर लेना, जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसी लाइंस को यूज़ करके, जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है उसी के ऊपर वहाँ पर आई ड्रॉ कर लेना। आई ड्रॉ कर लेना और उससे ही ऊपर आप आईब्रो ड्रॉ कर लेना। वैसे ही हम अब सेकंड आई ड्रॉ कर लेंगे। फोटो ऑब्जर्व करके आप अब नोज ड्रॉ कर लेना। मेन था जो स्ट्रक्चर बनाना, कैसे बनाना। उसके बाद में अब आप फोटो को ऑब्जर्व करके आपको करना है जो भी करना है। बाद में आप लिप्स वाली लाइन पर लिप्स ड्रॉ कर लेना ऊपर, नोज को ऑब्जर्व करके, जैसे फोटो में नोज की नीचे जहाँ पर लिप्स बने हैं उसी हिसाब से उतने ही साइज के आप स्केच में भी नो लिप्स ड्रॉ कर लेना। अभी करेक्ट नहीं बनेगा, पर बाद में हम धीरे धीरे और थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे खुद से ही, इरेज करके जहाँ जहाँ पर गलतियाँ लगेगी वहाँ पर ठीक करेंगे, तो अपने आप ये मैच करने लग जाएगा। आप डार्क एरियाज ऑप्ट कर लेना, और जो आउटलाइन है हमने ड्रॉ की है, जो ओवल शेप ड्रॉ किया है, वो अब आप फोटो को ऑब्जर्व करके, जो हमने आईज नोज और लिप्स बनाए हैं उनको ऑब्जर्व करके, आप अगर आपको लगे कि ज़्यादा बार है वो शेप फेस की, तो आप थोड़ा अंदर कर लेना। अगर आपको लगे कि ज़्यादा अंदर कर लिया है तो उसको आप बार कर लेना, ड्रॉ कर लेना। आप फोटो को ऑब्जर्व करके ही करोगे, जो भी करोगे आपकी फ़ोटो में, जैसे अंदर हो सकता है फेस की शेप और बाहर भी हो सकती है किसी की फ़ोटो में, तो सारा खेल ऑब्जर्वेशन का ही है और एक पेशेंस का। अगर पेशेंस नहीं होगा तो आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर मैंने दो बार इरेज किया है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया और मेरे को लगा कि ये गलत बनी है, तो मैंने थोड़ा और ऊपर ये हेयर की लाइन ड्रॉ की है। ये देखो, अभी ये थोड़ा मोटा लग रहा है ना मुँह, उसके बाद में हम इसको
ऑब्जर्व करके इरेज करेंगे। और फिर थोड़ा देखो अभी यहाँ पर इरेज किया मैंने और इसको अंदर को लाइन ड्रॉ किया है, आउटलाइन ड्रॉ किया, थोड़ा ठीक लगेगा। अभी दूसरी साइड भी रहता है, वो भी बाद में अपने आप ऑब्जर्व करके मैं ठीक कर लूँगा। अभी इसी तरह ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर लेना, आपका भी बढ़िया बनेगा। अगर पहली बार में बढ़िया ना भी बने तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका बहुत बढ़िया बनेगा। यहाँ पर मैं डार्क एरियाज ऑप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी मेरे को लगा है थोड़ा बाहर ड्रॉ की हुई आउटलाइन, तो थोड़ा मैंने इरेज करके अंदर को आउटलाइन ड्रॉ की है। यहाँ पर भी मैंने थोड़ा इरेज करके अंदर को की आउटलाइन ड्रॉ। अब आप देखो काफ़ी हद तक सेम लग रही है आउटलाइन। उसके बाद में अब डार्क एरियाज ऑप्ट करके फिर आप ईयर्स को फ़ोटो रेफरेंस फ़ोटो को ऑब्जर्व करके ईयर्स को भी आप ड्रॉ कर लेना अच्छे से। जो ईयर्स के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको आँख को ऑब्जर्व ईयर को आई को ऑब्जर्व करके आप ईयर ड्रॉ कर लेना ऊपर वाली साइड, और जो नीचे वाली साइड होती है वो नोज़ को ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर लेना फ़ोटो से ऑब्ज़र्व करके। वैसे ही आप दूसरा ईयर भी ड्रॉ कर लेना। अब ईयर के अंदर आप डिटेलिंग कर देना। ये आउटलाइन जो मैं पूरी वीडियो बनाई है मैंने ओनली 17 मिनट में आउटलाइन ड्रॉ कर ली थी। अब यहाँ पर नोज़ आप थोड़ा बाहर को ड्रॉ कर लेना, बिकॉज ऑब्ज़र्व किया तो थोड़ा ये छोटी लग रही थी नोज़, इसलिए मैंने थोड़ा नोज़ को बड़ा किया। वैसे ही आप गर्दन को आप ड्रॉ कर लेना ऊपर, फेस की शेप को ऑब्ज़र्व करके। वैसे ही आप टी शर्ट को भी ड्रॉ कर लेना। अब आप डार्क एरियाज ऑप्ट कर लेना जो गर्दन पर है। ये डार्क एरियाज वैसे ऑप्ट हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन आउटलाइन को ऑब्जर्व करने के लिए कि ये सही बनी कि नहीं, इसीलिए हम ड्रॉ करते हैं। ये शेडिंग नहीं है अभी, सिर्फ ये आउटलाइन ही है। नेक्स्ट वीडियो में शेडिंग की भी डालूँगा, आप वो भी देख लेना। अब हमारी आउटलाइन ड्रॉ हो चुकी है। Thanks for watching.